हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको लास्ट क्लास में आपका संविधान का विकास में आपको पढ़ा रहा था, अब हम थोड़ा उससे आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर। जब मैं राज व्यवस्था की बात करता हूं तो राज व्यवस्था में दो इसमें आपके शब्द देखने को मिलते हैं, एक राज्य और दूसरा है उसकी व्यवस्था। ठीक है, तो हमें राज्य की व्यवस्था करनी है तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ जानी चाहिए कि आखिर किसकी व्यवस्था करनी है, मतलब ये राज्य क्या होता है। राज्य वो है जिसमें चार तत्व शामिल होते हैं, जिसमें चार चीजें होती हैं। पहला उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, जिसका एक निश्चित क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। दूसरा एक निश्चित जनसंख्या होगी, वहां पे एक निश्चित सरकार होगी, एक निश्चित सरकार होगी, और वो जो है अपने आप में संप्रभु होगा। संप्रभु होगा मतलब सोवरेनिटी रहेगी, मतलब अपने निर्णय लेने में वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, राज्य। ठीक है, तो जरा आप मुझे ये बताओ क्या उत्तराखंड एक राज्य है या फिर नहीं है। हम जानते हैं कि उत्तराखंड के एक निश्चित क्षेत्रफल है, एक निश्चित जनसंख्या है, एक निश्चित सरकार यहां पे है बीजेपी की, और उत्तराखंड अपने जो निर्णय है उसे लेने में स्वतंत्र है, तो उत्तराखंड क्या है, एक राज्य है। क्या भारत एक राज्य नहीं है, भारत भी एक राज्य है, क्योंकि भारत का एक निश्चित क्षेत्रफल है, एक निश्चित जनसंख्या है, एक निश्चित सरकार है भारत में बीजेपी की, और भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए भारत भी क्या है, एक राज्य है। तो राज व्यवस्था जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सर किसकी व्यवस्था करनी है, हमें राज्यों की व्यवस्था भी करनी है और पूरे देश की व्यवस्था भी करनी है। तो उस सिस्टम को हम पढ़ते हैं राज व्यवस्था के अंतर्गत में। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अगर 1947 से पहले, क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था, नहीं था। भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या थी लेकिन ना तो सरकार थी ना तो संप्रभुता थी। तो 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब बात क्या आती है सर, भारत एक राज्य के रूप में कैसा है, भारत एक राज्य के रूप में कैसा राज्य है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं पे कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल हमारा फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, इसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना। संघ जो ये शब्द है इसके लिए अंग्रेजी में दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक को हम कहते हैं फेडरेशन और एक को हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, एक हमारा होता है फेडरेशन और एक होता हमारा यूनियन। ठीक है, इन दोनों को ही हिंदी में हम संघ कहते हैं। तो फिर सर अंतर क्या है, अंतर ये है, देखिए फेडरेशन का मतलब है छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना एक बड़ा देश, इसे हम फेडरल कंट्री कहेंगे। लेकिन इसमें जो ये छोटे छोटे राज्य हैं वो इस फेडरेशन से बाहर जा सकते हैं, वो इस संघ से बाहर जा सकते हैं। तो सर यूनियन में क्या है, यूनियन में भी छोटे छोटे राज्यों से मिलकर ही एक बड़ा देश बनता है, एक बड़ा देश बनता है, लेकिन इसमें जो ये राज्य हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यूनियन में ये इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सर भारत कैसा है, भारत राज्यों का संघ जो है वो किस तरह का है, जाहिर सी बात है भारत का भी भारत यूनियन है, क्योंकि यहां पे भारतीय संघ से राज्यों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। फेडरेशन के अंतर्गत में जो फेडरेशन बनता है ये राज्यों के बीच एक समझौते का ये एक परिणाम होता है, समझौते का परिणाम होता है।
जबकि ये एक समझौते का परिणाम नहीं है, ये एक समझौते का परिणाम नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है? ठीक है, ये एक समझौते का परिणाम नहीं है। वास्तव में भारतीय संघ जो है विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। भारतीय संघ, भारतीय संघ एक विभाज्य बोले तो जो अलग अलग राज्य हैं, विभाज्य राज्यों का एक कैसा बे अविभाज्य संघ है ये, ठीक है? ठीक है, विभाज्य राज्यों का मतलब अलग अलग विभाजित हुए राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, मतलब इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। तो सर क्या ऐसा सिस्टम भी कहीं पे है? बिल्कुल, अमेरिका एक फेडरल राज्य है जबकि भारत जो है एक यूनियन है, ठीक है? अमेरिका जो है, अमेरिका ये एक फेडरल है, फेडरेशन व्यवस्था है, और भारत जहां पे ये एग्जाम्पल आप भारत में साहब दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब बात ये है भारत की जो राज व्यवस्था है ना, मतलब चाहे पूरे राज्यों को चलाना है, चाहे पूरे देश को चलाना है, मतलब चाहे यूनियन के अंदर इन छोटे छोटे राज्यों की व्यवस्था करनी है या इन यूनियन से बन के मिलके बना ये पूरा संघ यानी कि देश को चलाने की बातचीत है, तो ये जो ताकत है ना, ये ताकत तीन लोगों को सौंपी गई है, पूरे देश, ठीक है, या पूरी राजव्यवस्था या पूरे संघ को चलाने की ताकत जो है वो तीन लोग के पास है। वो तीन लोग कौन है उस पे चलते हैं। तो इस राजव्यवस्था को चलाने के लिए जो ताकत है वो तीन लोग को दी गई है, मतलब इस संघ को, इस संघ के तीन अंग हैं, इस संघ के तीन अंग हैं जिनके पास ये ताकत है, ठीक है? पहला जो अंग है इसे हम कहेंगे विधायिका, इसे हम कहेंगे विधायिका, ये पहला अंग है। दूसरा अंग है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका आपका दूसरा अंग रहेगा, और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका, न्यायपालिका ये तीसरा अंग है, ठीक है? ठीक है, अब याद रखना आप, देखा बे अगर मैं मोटी मोटी बातें करूं, इनके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातों में विधायिका का जो काम होता है, इसका काम होता है कानून बनाने का, इस काम है कानून बनाने का। कार्यपालिका का जो काम है ये इस कानून को लागू करने का, इसका जो काम है वह इसे इस कानून को लागू करने का। और जो न्यायपालिका है इसका काम है इसके द्वारा बनाया गया कानून और इसके द्वारा लागू किया गया कानून, कानून की जांच करने का, कि जांच करने का, इसी को किताब में लिखा रहता है। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? संविधान की व्याख्या करना, ठीक है? तो ये क्या करता है, इन कानूनों क्या करता है, ये व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। व्याख्या करने का मतलब न्यायपालिका बताएगी तुमने जो कानून बनाया है वो संविधान के किस आर्टिकल, किस भाग, किस अनुसूची के हिसाब से सही है या फिर गलत है। अगर गलत होगा तो उसे ये रद्द करने की ताकत रखता है, ठीक है? और अगर सही होगा तो वो कार्यपालिका उसे लागू कर देगी। लेकिन लागू करने के बावजूद भी अगर संविधान की व्याख्या करने में अगर वो सही नहीं बैठ रहा है तो न्यायपालिका उसे लागू होने से रोक भी सकती है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है, सर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें से? तो एक बात मैं यही क्लियर कर देता हूं, वो ये, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, ये तीनों ही समान स्तर पर काम करते हैं, बट इनके काम अलग अलग हैं। इसके काम के हिसाब से लगता है कि न्यायपालिका थोड़ी ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए कानून, इसके द्वारा लागू किए गए कानून को ये रद्द कर सकता है। लेकिन बात यह है, क्या ये व्याख्या,
क्या ये कोई ऐसा कानून लागू कर सकता है जो इसके फायदे में बना हो? मतलब विधायिका ने कोई ऐसा कानून ना दिया जो इसके फायदे की बात करता हो, न्यायपालिका के फायदे की बात करता हो, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग वो कानून ठीक नहीं है, तो क्या ये उसे लागू कर सकता है क्या? क्या ये उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है क्या? तो इन सब बातों पे चर्चा हम आगे की सारी क्लासेस में हम करने वाले हैं, ठीक है। विधायिका का मतलब कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका मतलब लागू करने वाली संस्था, न्यायपालिका मतलब संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था या इस कानूनों की जांच करने वाली संस्था। अब हम जानते हैं कि भाई कानून जो बनता है भारत में वो दो तरह से बनता है। एक बनता है केंद्र सरकार बनाती है, मतलब मोदी जी बनाते हैं, एक राज्य में बनता है। तो विधायिका भी अपनी दो प्रकार की हो जाती है, एक हो जाती है केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, और एक हो जाती है राज्य विधायिका, जो राज्य के लिए क्या करती है, ये कानून बनाती है, ठीक है। सर केंद्रीय विधायिका में कानून कौन बनाता है? भाई केंद्रीय विधायिका में कानून संसद बनाती है। तो संसद किसका पार्ट है? केंद्रीय विधायिका का, ठीक है। और संसद के अंदर भी एक कानून बनता कैसे है, कानून कैसे बनेगा? जब भाई इसमें एक होगी आपकी लोकसभा और एक होती यहां पर आपकी राज्यसभा, ठीक है। हालांकि इसमें तीसरा आप राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग होता है, आप ध्यान रखना कि समझाए बात करूंगा, ठीक है। राज्यों की विधानसभा की बात करेंगे तो इसमें भैया एक आपकी होती है विधानसभा, एक आपकी होती है विधानसभा, एक होती है आपकी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तीसरा इसमें भी आपका राज्यपाल होता है। अब क्या ऐसे ही लागू करने के लिए भी दो बॉडी है, केंद्र में लागू करने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका होती है और राज्य में लागू करने के लिए राज्य की कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो केंद्र में लागू करने के लिए क्या होगी यहां पे, एक केंद्रीय कार्यपालिका होगी, आगे सारी बात करेंगे, केंद्रीय कार्यपालिका होगी और राज्य में लागू करने के लिए राज्य कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका होगी, यह हम जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और केंद्रीय स्तर पे जांच करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट होएगा, हालांकि और सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होगा आपका हाई कोर्ट होएगा, और हाई कोर्ट के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाकी अधीनस्थ न्यायालय इनके नीचे होंगे, अधीनस्थ न्यायालय इसके नीचे होंगे। जो न्यायपालिका है ये एकीकृत न्यायपालिका है, ये एकीकृत न्यायपालिका है। सर एकीकृत का मतलब क्या है? एकीकृत का सिंपल सा मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक के जो कानून होंगे ना वो एक जैसे होंगे। मतलब चोरी के लिए जो सजा हाईकोर्ट देगा, चोरी के लिए वही सजा सुप्रीम कोर्ट भी देगा। ऐसा नहीं कि यह हाईकोर्ट चोरी के लिए अलग सजा दे देगा, सुप्रीम कोर्ट अलग सजा दे देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मर्डर के लिए हाईकोर्ट अलग सजा देगा और सुप्रीम कोर्ट अलग सजा देगा। तो पूरी जो कानून व्यवस्था है वो पूरी एक ही है यहां से यहां तक की। इसीलिए न्यायपालिका हम क्या कहेंगे, कैसी है ये, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले सेशन पे हम चलेंगे जहां हम पढ़ेंगे विधायिका को, और विधायिका के अंदर हम पहला हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय विधायिका के अंदर हम यहां पे संसद को पढ़ेंगे। बहुत मजा आपको आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि हां कुछ पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से आपके एग्जाम बन रहे हैं उस लेवल का आपको कंटेंट यहां मिल रहा है। बस थोड़ा सा संयम बना के रखना, ठीक है। आपके जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आज तक गलत होते आ रही होंगे ना, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अब उन क्वेश्चनों की गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, बस शर्ते आप जुड़े रहना और क्लासेस को पूरी देखना, ठीक है, ठीक है। चलिए समझाने का प्रयास करता हूं, बढ़ते हैं संसद की तरफ। चलिए तो अब हम संसद की बात करते हैं। देखिए संसद क्या है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं जैसे आपका स्थानीय स्तर पर कानून बनाने के लिए ग्राम सभा होती है,
जैसे आपके गांव में, आपके गांव घरों में जैसे जो प्रधान है वहां का जो सरपंच है वो कहता भैया देखो कच्ची लकड़ी नहीं काटनी है, ठीक है, ये नहीं करना है। तो इस तरह से जो स्थानीय स्तर पर कानून बनाने के लिए संस्था जैसे आपकी ग्राम सभा होती है, वैसे ही देश के स्तर पर ग्राम सभा के रूप में काम कौन करता है? संसद। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है जैसे स्थानीय स्तर पर कानून ग्राम सभा बनाती है, मतलब छोटे मोटे काम, ऐसा नहीं कि सारे कानून यही बनाती है, देश के कानून तो यहां लागू होंगे होंगे, ठीक है, वैसे ही देश के लिए ग्राम सभा काम कौन करती है? संसद करती है। मतलब पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था यह है। ठीक है, तो भारत में कानून बनाने वाली संस्था है जिसे हम बोलेंगे संसद। अब जो संसद ही कानून बनाती है, सर कानून बनाने से क्या होता है? कानून से ही देश चलता है, पूरी व्यवस्था इसी चलती है, इसीलिए संसद को ही हम व्यवस्थापिका कहते हैं। संसद को ही हम क्या बोलेंगे? व्यवस्थापिका। यही जो व्यवस्थापिका है इसी को यूएसए में कांग्रेस कह देते हैं, इसी को यूएसए में हम बोल देंगे कांग्रेस, इसी को ब्रिटेन में पार्लियामेंट कह देते हैं, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहेंगे और भारत में इसे कहते हैं संसद। ठीक है, भारत में इसे हम क्या बोलेंगे? आप संसद कहेंगे। और वास्तव में है कि एक व्यवस्थापिका जो क्या करती है? कानून आती है हर जगह पे, यहां पे भी व्यवस्थापिका, यहां की व्यवस्थापिका को हम बोलेंगे कांग्रेस यूएसए में, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका हम बोलेंगे पार्लियामेंट, और भारत में इसका बे इसे हम संसद कहेंगे। ठीक है, बे तो संसद वास्तव में क्या है? देखा भाई, संसद में लोकसभा के मेंबर बैठे हुए हैं जो हमने चुन रखे हैं, और राज्यसभा के मेंबर बैठे हुए हैं जो लोकसभा वालों ने चुन रखे हैं, और भी बहुत जगह से आते हैं, आगे बात करेंगे। तो बेसिकली जनता, जनता के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, मतलब जैसे यहां के जो सांसद हैं, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, जैसे अगर संसद में कोई बिल पारित हो रहा है तो अगर अजय भट्ट जी ने बोल दिया हां भाई मैं सहमत हूं इस बिल से, तो इसका मतलब पूरी जो ये संसदीय क्षेत्र है यहां के सभी लोगों ने क्या बोल दिया? हां बोल दिया। मतलब यहां के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। ठीक है, तो संसद में, संसद वास्तव में है क्या? भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था यह है। भारत की जनता क्या है? ये सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। अब देखिए, अब अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद के तीन अंग होते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? तीन। याद रखना, अगर आपसे बोले कोई संसद के सदन कितने होते हैं तब आप बोलोगे दो सदन होते हैं, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आपसे बोलेगा संसद के अंग कितने हैं तो आप बोलोगे तीन अंग हैं, एक है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग बताया गया है। किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? क्या बातचीत है? आगे बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आप अभी थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा, लोकसभा बोले तो लोगों की सभा, तो किसे लोकसभा कहते हैं? लोगों से चुनकर आई प्रतिनिधियों की एक सभा, लोगों से चुनकर आई प्रतिनिधियों की एक जो सभा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकसभा कहते हैं। चले अब बात करते हैं राज्यसभा की। देखिए, राज्यसभा क्या होती है? यह संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। सर, यह संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें आपके केंद्र और राज्य जो है ये आपस में मिलकर के बनी एक व्यवस्था है। इसके लिए हम भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए हम यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब राज्य से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि भारत एक संघ है, इसलिए भारत में जो भी निर्णय होगा, जो भी व्यवस्था बनेगी, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। इसीलिए संघ में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक सभा बनाई गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा, जो बेसिकली भारत में संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, तो सर तीसरा राष्ट्रपति जो तीसरा अंग है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब यहां का सदस्य भी नहीं है, यहां का भी नहीं है। वास्तव में जो राष्ट्रपति है, यह राष्ट्रपति दर्शाता है कि सब
जो आपकी कार्यपालिका है और जो आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है और जो आपकी विधायिका है, इनके बीच में परस्पर संबंध को दर्शाता है। सर कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका बेसिकली आप कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना सरकार, जिसे हम सरकार कहते हैं, वो होती है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? आपकी सरकार होती है एक तरह से। और विधायिका जो है ना, विधायिका ये है बेसिकली आपकी व्यवस्थापिका, ये आपके यहां पर व्यवस्थापिका। इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन लाने काम करता है वो कौन है? आप वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर ये हम देखें किस तरह की बातचीत है, तो देखिए हमको आपका बे आपकी तीन चीजें होती है, एक होती है आपके यहां पर विधायिका, एक होती है आपके यहां पर कार्यपालिका, कार्यपालिका, एक होता है आपका बे न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। ये तक में ये कानून बनाने काम करती है, अभी बता रखा है, ये आपका कानून को लागू करती है, ठीक है, ये इसकी जांच वगैरह करती है। अब क्या जो विधायिका और कार्य मतलब कानून बनाने वाले जो लोग हैं और कानून को लागू करने वाले जो लोग हैं ना, इनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन? राष्ट्रपति। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे हम कार्यपालिका कह रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं सरकार, ये है कौन भैया? इसमें होता कौन है? इसमें आपका सबसे ऊपर इसमें आपका राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे आपका पीएम होता है और पीएम की मंत्रिपरिषद होती है, और इसके नीचे आपका इनको एक कानूनी सलाह देने के लिए आपका एक महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। तो इन सबको मिलाकर के एक तरह से हम क्या बोलेंगे? सरकार कहेंगे। बात सबको पल्ले पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे लोकसभा की, फिर हम बात करेंगे राज्यसभा की, और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए हम लोकसभा की हम बात करते हैं, तो लोकसभा जो भारत की संसद है ना, भारत की संसद का ये प्रथम सदन कहलाता है, पहला सदन, पहला सदन आप। दूसरा इसे हम बोलेंगे लोक सदन, लोक सदन कहेंगे, और लोक सदन को ही हम क्या बोल सकते हैं? लोकतांत्रिक सदन, लोकतांत्रिक सदन भी इसे कहेंगे, लोकतांत्रिक सदन, ठीक है। और तीसरा इसी को हम कहेंगे निम्न सदन। सब निम्न सदन हम इसे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भंग हो सकता है, भंग होने के कारण, भंग होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। एक बात आप ये ध्यान रखना, देखिए अब अगर हम बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की, तो लोकसभा में जो अधिकतम आपके सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 550, कितना आपका बे 550 सदस्य हैं। पहले 552 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें आपके दो आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, जिनका मनोनयन किया जाता था, मतलब राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता था अपने मन से। आंग्ल भारतीय बोले तो कौन लोग? ऐसे अंग्रेज जो आजादी के बाद भारत में ही रहे और बाद में यही उन्होंने अपना घर बसाया, शादीवादी कर ली, यही उनका सब कुछ है, उन्हें बोलते हैं आंग्ल भारतीय, ऐसे अंग्रेज जो भारत में रहते हैं, तो उनके हक की बात कौन करेगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते थे? दो लोगों को लोकसभा के अंदर मनोनीत करते थे अपने मन से, ठीक है। तो सर अभी से क्यों हटा दिया गया? 2019 में से हटा दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई भी अंग्रेज भारत में नहीं है, अब ऐसा कोई अंग्रेज भारत में नहीं है, तो इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में जो आपके कुल 550 सदस्य है ना, ये सभी सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब जो वोट डाले जाते हैं जैसे आप लोग वोट डालते हैं, ठीक है, तो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग वोट डालते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। तो अभी वर्तमान में सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, आप एक बात यह ध्यान रखना। अगर हम संसद की बात करते हैं, अबे लोकसभा की बात करते हैं, अबे हमारा जो संसद है वो अभी एकल संसदीय है। एकल संसदीय का सर मतलब क्या है? मतलब एक संसदीय क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति ही चुना जा सकता है, इसे हम बोलेंगे एकल संसदीय क्षेत्र, एकल संसदीय व्यवस्था है हमारे। अब यहां राज्यों में सदस्यों का जो निर्धारण है ना, मतलब जैसे हम कहते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है, तो सदस्यों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्यों हुआ है? जरा वीडियो को पॉज करें,
और एक कमेंट करें और बताएं कि आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या लगता है। मैं तो बताने ही वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि आखिर हमने सदस्यों का जो निर्धारण है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही हमने ऐसा क्यों किया, आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में 1971 के बाद भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, तो ऐसा माना गया कि भैया हम संसदीय क्षेत्र जो है ना, जो संसद सदस्यों का निर्धारण है ना, हम 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही करेंगे। मतलब ताकि कोई राज्य अपने राज्य में जनसंख्या इसलिए ना बढ़ाए ताकि उसके राज्य में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए और उस राज्य के जो संसदीय लोग हैं वो लोकसभा के अंदर ज्यादा बैठे हों, और इसका मतलब फिर जो जितने भी आपके बिल आएंगे उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहे, मतलब पलड़ा भारी हो जाएगा ना जब ज्यादा मेंबर होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा राजनीतिक फायदा ना हो किसी राज्य को, कोई राज्य ऐसा ना सोचे, इसलिए इन्होंने कहा भैया देखो हम सदस्यों का निर्धारण तो हम 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही करेंगे, भले ही जनसंख्या आप कितनी भी बढ़ा लें उससे लोकसभा की सीटों पर जो बढ़ोतरी है वो आपकी नहीं होगी। और ये मामला, ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी सर, 2026 तक ये व्यवस्था चलेगी। 2026 के बाद मतलब अगले 2 साल के बाद ये व्यवस्था थोड़ी चेंज हो सकती है, ठीक है। किस तरह से होगी आगे हम उसे भी बात करेंगे जब मैं आपका पे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का पढ़ाऊंगा, तब हम इन सारी बातों पर भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये कैसा कैसा होने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। जब हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसके लिए आपका आर्टिकल 83 जिम्मेदार है। 83 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी निर्वाचन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक की तारीख, निर्वाचन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा। प्रथम बैठक की तारीख से कहां तक रहेगा आपका, 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसे उससे पहले भी विघटित कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा एक निम्न सदन है और निम्न सदन ये इसीलिए है क्योंकि राष्ट्रपति इसे विघटित कर सकता है। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, थोड़ा सा कांग्रेस की एक तरह से तानाशाही चल रही थी, तो उन्होंने संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। जो बदलाव जनता को पसंद नहीं आया, कहीं ना कहीं दादागिरी थी। तो इसीलिए 2 साल के बाद ही कांग्रेस की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसके तहत लोकसभा का जो कार्यकाल है जो 76 में 42वें संविधान संशोधन से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर से 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 325 भी एक तरह से जिम्मेदार है, 352 भी इसके लिए जिम्मेदार है। सर क्या है 352 के तहत? जो राष्ट्रीय आपात अगर देश के अंदर लगता है तो उस कंडीशन में संसद, कौन सर, संसद कानून बना करके, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में, बोले तो जब कानून बनेगा एक बार के कानून में, एक साल के लिए बढ़ा सकती है, से बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखना बे। लेकिन अगर आपातकाल आपका समाप्त हो गया, और जब तक समाप्त नहीं होगा, ठीक है, हर बार काम ना करके एक एक वर्ष के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रीय आपात रहेगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में अब किसी भी कंडीशन में कार्यकाल 6 माह से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब कार्यकाल को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो बात हमने करें अभी कार्यकाल की, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं इनके निर्वाचन की क्या योग्यता होती है, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका आर्टिकल 84 जिम्मेदार है। आर्टिकल 84 के तहत ही ये सारी बातचीत होती है।
तो सर आर्टिकल 84 में क्या है, देखिए सबसे पहले आप वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा के सांसद का चुनाव अगर लड़ना है तो आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार उसे शपथ लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, यह भी एक योग्यता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो संसद समय समय पर लागू करती है ठीक है, उन योग्यताओं में भी वो जो सदस्य है वो योग्य होना चाहिए है, ठीक हो ठीक है। इसके अलावा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी कुछ योग्यताएं सेट है। पहली बात आप दिखा कि जो व्यक्ति है उसका नामांकन किसी भी निर्वाचित क्षेत्र से एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए है, मतलब जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका नामांकन किसी ना किसी क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में अगर पंजीकृत है तो वो चुनाव पूरे भारत में कहीं से भी लड़ सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जहां उसका पंजीकरण है मतदाता के रूप में केवल वही चुनाव लड़ सकता है, बल्कि अगर कहीं भी उसका पंजीकरण है मतदाता के रूप में, मतलब वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसके एक व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपके मोदी जी वाराणसी से भी चुनाव लड़े और गांधीनगर से भी चुनाव लड़े, ठीक है, पिछली बार दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। और लेकिन अगर दोनों जीत गया तो कोई एक सीट जो है उन्हें त्यागनी पड़ेगी, ठीक है, कोई एक सीट उन्हें त्यागनी पड़ेगी। यह बात कहां लिखी हुई है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, जिसे हम आगे चल के बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कम से कम इसके आप में 5 से 6 क्लास आपका जन प्रतिनिधि अधिनियम की पढ़ाऊंगा, शायद इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोकसभा सदस्यों की योग्यता की हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं इनकी अयोग्यता की। तो अयोग्यता की बात करते हैं तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए आर्टिकल 102 जिम्मेदार है। आर्टिकल 102 में लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है। सर क्या क्या बातचीत है इसमें, पहली बात अगर वो बंदा मतलब जो चुनाव लड़ रहा है केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के अगर पद पे है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लाभ का पद क्या होता है इस पे हम एक दिन डिटेल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर लाभ का पद किसे कहते हैं। अभी आप मोटा मोटा समझ लो सरकारी नौकरी, ठीक है, लेकिन जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश है वो किसी लाभ के पद पे नहीं जा सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बहुत जगहों पे नियुक्त हो जाता है। मतलब वो जो पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं होते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त हो जाता है। आगे हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा अगर न्यायालय व्यक्ति को मानसिक रूप से अगर बीमार घोषित कर दे तब भी वो अयोग्य हो जाएगा। अगर न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर दे तब भी वो अयोग्य हो जाएगा। दिवालिया का सर मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने लिए हुए कर्जों को चुका नहीं पाता है उसे दिवालिया कहते हैं, जैसे लोन वगैरह, ठीक है। किसी अगर दूसरे देश की उसने नागरिकता ले ली है, आप अपने देश का नागरिक नहीं है, तब भी वो अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा संसद को अधिकार है कि समय समय पर वो ऐसे मापदंड निर्धारित कर सकती है जिससे कि व्यक्ति अयोग्य घोषित हो सकता है। मतलब मैंने अगर ऐसे मान लिया कि संसद ये बोल दे कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 12th पास होना आवश्यक है, तो जितने भी 12th फेल वाले हैं वो सभी अयोग्य हो जाएंगे। ये प्रावधान कौन कर सकती है, केवल और केवल संसद कर सकती है। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, दल बदल कानून से संबंधित यह प्रावधान है। दल बदल कानून क्या है इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब भी यह समझ लें बावनवां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आर्टिकल 102 के तहत यह बातचीत करी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 102 में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति
दल बदल कानून का उल्लंघन करता है, मतलब जो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, अगर इनका उल्लंघन करता है तब भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब इसमें मोटी मोटी बात में अगर आपको बताऊं तो अगर जैसे आपने कांग्रेस पार्टी से आपने चुनाव लड़ लिया और आप जीत गए, लोगों ने आपको यह सोच के वोट दिया कि यह कांग्रेस पार्टी का है और आपके ऊपर उन्हें भरोसा है, या फिर बीजेपी का पार्टी का है, आपको लोगों ने बीजेपी पार्टी का सोच करके आपको वोट दिया और बाद में आपने अपनी पार्टी चेंज कर दी, तो आपने क्या कर दिया, उन लोगों के साथ में विश्वासघात कर दिया ना जिन लोगों ने आपको जिताया था। इस आधार पे तो ये क्या हो गया, आपका दल बदल कानून का एक तरह से उल्लंघन हो गया, तो इस कंडीशन में भी आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सर और क्या प्रावधान है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, देखिए बात समझिए, ये जो बातें लिखी हुई है ये तो संविधान में है, ठीक है, ये भी संविधान में ही है, लेकिन ये कानून बना करके उसमें जोड़ी गई है। आगे जाके हम आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मूल संविधान में, उन हम संवैधानिक कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, कुछ आपकी गैर संवैधानिक होती हैं। गैर संवैधानिक का मतलब जो संविधान के अनुकूल तो हैं बट संविधान में नहीं है, जैसे आपका नीति आयोग है, योजना आयोग आपका पहले हुआ करता था, ये संविधान के अनुकूल तो हैं लेकिन संविधान में नहीं है। और तीसरे आपके होते हैं सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक सर क्या होती हैं, जो पहले संविधान में नहीं थी लेकिन उन्हें एक कानून बना करके संविधान में डाल दिया गया है, उन्हें हम बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सांविधिक संस्थाएं। असंवैधानिक कुछ नहीं होता है, असंवैधानिक कुछ नहीं होता है, अगर कोई असंवैधानिक कानून पारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देता है, सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देता है, इसलिए असंवैधानिक कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ असंवैधानिक बनता है कानून, कुछ लागू होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य कर देता है। जैसे बेटा आपने सुना होगा कि कोलोजियम व्यवस्था की, जो कोलोजियम व्यवस्था थी उसके जगह पर एक न्यायिक आयोग बनाया गया था, कोलोजियम व्यवस्था मतलब जो जजों की नियुक्ति होती है ना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था होती है कोलोजियम व्यवस्था, उसकी जगह पे एक न्यायिक आयोग बनाया गया था जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे शून्य घोषित कर दिया। तो जो न्यायिक आयोग है उसे हम क्या बोलेंगे, वो था असंवैधानिक, वो आपका पे असंवैधानिक था। बात समझ आ रही है, बात बाकी हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये कानून बना करके जोड़ दी गई बातें, क्या बात है सर, चुनाव में अगर भ्रष्टाचार संबंधित कोई मामला सदस्य का पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 2 वर्ष की क्या होगी, सजा, कम से कम 2 वर्ष की उसे सजा होगी, किसके अनुसार, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार। इसके अलावा, इसके अलावा चुनाव के जो खर्चे हैं ना, अगर चुनाव के खर्चों का निर्वाचन आयोग के समक्ष सही ढंग से उसे प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जो सदस्य है अपने चुनाव में उसने कितने खर्च किए हैं इसे अगर वो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो इस आधार पर भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सर कितना खर्चा कर सकते हैं आखिर ये लोग, विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो अपने चुनाव में कम से कम 20 लाख से लेकर के 28 लाख के बीच में खर्च कर दें, 20 से लेकर 28 लाख के बीच में वो अधिकतम खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि कम से कम 20 करने ही करने, कम से कम तो तुम 1 लाख भी मत करो, ठीक है, लेकिन 20 से 28 लाख के बीच में अधिकतम खर्च कर सकते हैं। और जो सांसद होते हैं ये 54 लाख से लेकर के 70 लाख तक अपने चुनाव में खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर विवरण ठीक से नहीं दिया तो इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन इसका मैं आपको एक चीज और बता दें, ये इतना तो खुद खर्च कर सकते हैं लेकिन पार्टी, पार्टी इन्हें जिताने के लिए कितना भी खर्च कर दे उसका कोई मतलब एक दायरा नहीं है, जैसे 20 से 70 मतलब 20 से 28 54 70 ऐसा कोई मतलब उसके लिए नहीं है कि पार्टी जिताने के लिए कितना ही पैसा लगा सकती है। इसीलिए आप देखते होंगे जहां पे मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति चुनाव लड़ता है जिस क्षेत्र से, या प्रधानमंत्री व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वहां पे चुनाव अलग ही किस्म के होते हैं, वहां पे खर्चे अलग ही लेवल के होते हैं, क्योंकि क्योंकि
पार्टी आपको जिताने के लिए आपके ऊपर कितना ही पैसा लगा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सांसद जो है वो 54 से 70 और विधान जो विधायक हैं वो 20 से 28 लाख तक ही खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पे लोकसभा के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हमारे जो वीडियोज हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स की सीरीज हमने स्टार्ट करी है ये चलती रहे तो सपोर्ट आपका भी चाहिए ही होगा। अगर आपको ये आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जगह से पढ़ा है लेकिन इस कंटेंट में कुछ बेहतर है, कुछ बढ़िया है, कुछ तो अलग है, तो जरूर से शेयर करना, ठीक है, और अगर इस तरह से होता है तो सीरीज आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।